एमओवाई के समीकरण खत्म हो गई, अब एमओडी के समीकरण हो गए, मोहम्मद समझ लीजिए, मुस्लिम और दलित उसकी समीकरण अब चल रही है। देखिए कि इंडिया के सारा पब्लिक मूर्ख है। अच्छा, कैसे मूर्ख है? जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि सब ठीक हो रहा है, हम देश को आगे ले जाएंगे, रे जब तोरा भी हम न पहुंच रही, तोरा देखेला तो तू आगे कितना ले जाब? अभी कई सौ गज के दूरी पर है प्रधानमंत्री आ गए। 3 हेलीकॉप्टर में कितना खर्चा हुआ? 1 महीना पहले से यहाँ काम जारी है। अगर आज जितना खर्च हुआ है आज के डेट में, अगर उतना पैसा हर इंसान के खाता में, हर नौजवान के खाता में आता तो 10-10 हजार रुपया हिस्सा पड़ता। ये क्या हुआ? और मुकेश सहनी जी का प्रोग्राम था महुआ गांधी मैदान में, तो क्या वो पैदल आए थे कि वो भी हेलीकॉप्टर से आए थे? तो वो खर्चा आपको नहीं दिख रहा है? इंडिया खर्च कर रही है तो वो दिख रहा है, ये आपको इंडिया एयरलाइंस खर्च कर रही है वो आपको नहीं दिख रहा है? अरे भैया, उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए आप क्या कर रहे हैं। बड़ी मुद्दा कोने ने खत्म कर दिया, जिसकी रोजी रोटी कमाते थे यूपीए के लोग, जिसके बदौलत वो राजनीति दुकान खोले हुए थे, सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने खत्म कर दिया, जो आपस में हिंदू मुस्लिम की भाईचारगी की आज मिसाल है यहाँ पर काम है। मंदिर का उद्घाटन हुआ, 1 लाख आदमी को रोजगार मिला, विपक्षी को समझ में नहीं आता क्या मिल रहा है, वो सीधे रोजगार बोलने आता है तरबूज, तुझा को तरबुजा बोलते हैं, 400 पार के 4000 पार बोलते हैं नीतीश जी, हमारे जुबान फिसल फिसल कर। हमारे आलू से सोना कब निकलेगा? आलू से सोना कब निकला इसका भी बताते जाइएगा। आलू से सोना मोदी जी बना दिए थे उनको वीडियो काट करके। रैली होना है, मोदी जी का आगमन भी हो चुका है, इस बार माई समीकरण जैसा कि लग रहा है कि माई समीकरण को हटा रहे हैं क्या? हटाने की क्या बात है, लोग खुद ब खुद हट रहे हैं। हटाना एक होता है कि किसी बने हुए मकान को तोड़ना, लोग खुद ब खुद अब इस मकान में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। हम लोग बंगला के सपोर्टर है, बंगला में रहते थे, आज हेलीकॉप्टर पर चढ़ने की ख्वाहिश होगी, चिराग पासवान जी के साथ हेलीकॉप्टर पर चढ़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, हमको देश की चिंता करना है। एमओवाई की समीकरण खत्म हो गई, अब एमओडी के समीकरण हो गए, मोहम्मद समझ लीजिए, मुस्लिम और दलित उसकी समीकरण अब चल रही है। देखिए पूरे दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोग कितने बड़े पैमाने पे आज मोदी जी को सुनने के लिए आए हैं, अभी रास्ते में बहुत सारी गाड़ियां फंस गई है, वो लोग भी आ ही रहे हैं थोड़ी देर में। मतलब माई समीकरण बदल के एमडी समीकरण हो गया है क्या? जी एमडी समीकरण, एमडी समीकरण हो गया है। प्रधानमंत्री जी का माई समीकरण हमारे तरफ आ गया है, महिला एम मतलब महिला, वाई मतलब युवा, नहीं एम मतलब मुसलमान और डी मतलब दलित। पासवान जिंदाबाद। प्रधानमंत्री जी के करिश्मा व्यक्तित्व का ही ये नतीजा है कि समाज के सारे बोल उनके साथ आ रहे हैं, और इस बार 400 के पार जाएंगे, हर हाल में जाएंगे, 400 के पार जाएंगे। 400 के पार जी, क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि इंडिया के सारा पब्लिक मूर्ख है। अच्छा, कैसे मूर्ख है? जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि सब ठीक हो रहा है, हम देश को आगे ले जाएंगे, रे जब तोरा भी हम न पहुंच रही, तोरा देखेला तो तू आगे कितना ले जाब? अभी कई सौ गज के दूरी पर है प्रधानमंत्री आ गए। 3 हेलीकॉप्टर में कितना खर्चा हुआ? 1 महीना पहले से यहाँ काम जारी है। अगर आज जितना खर्च हुआ है आज के डेट में, अगर उतना पैसा हर इंसान के खाता में, हर नौजवान के खाता में आता तो 10-10 हजार रुपया हिस्सा पड़ता। ये क्या हुआ अभी? नहीं तो सभी पार्टी खर्च करती है ना, सिर्फ एक नहीं, एक मैं एक नहीं। आप प्रधानमंत्री हैं, अगर आप अच्छा काम किए हुए रहते तो आप घर में रहते, यहाँ लोग वोट दे देता, यहाँ खर्चा करने का क्या जरूरत? मोदी जी भी आए हैं, इस विचारधारा से कितना लाभ होगा? 2014 के हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किनकी सरकार रही है? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सरकार किसने चलाया है? क्या हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सरकार इंडिया के लोग चलाए हैं या यूपीए के लोग चलाए हैं? क्या क्या मुसलमानों के लिए उन लोगों ने क्या क्या देश के लिए, देश को बर्बाद कर दिया? चोर लुटेरे की पार्टी है वो क्या बात करेगी एनडीए के लोगों से जो इंडिया ने काम किया है? सब जेल में रहता है, बेल पर है पूरे कांग्रेसिया। क्या नरेंद्र मोदी गुनाह कर रहे हैं क्या? घोटालेबाज को जेल भेजने, तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, पूरे अल्पसंख्यक समाज उनका समर्थन कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने का काम कर रहे हैं। वो जमाना खत्म हो गया, सोने की चम्मच लेके पैदा हुए आप, अपने घर पर रहिए, आम जनता एक समान है, पूरा देश का हर लोग
नरेंद्र मोदी जी का परिवार है, पूरे परिवार की सुरक्षा उनके हाथ में है और सबकी सुरक्षा हो भी रही है। और जात पात की राजनीति अब खत्म हो गई, पूरे मुसलमान समाज, अल्पसंख्यक समाज, आप जाकर देखिए पूरे शहर में अल्पसंख्यक समाज एनडीए के साथ है, ना कि महागठबंधन के साथ है। जिंदाबाद। ये हुजूम है, जो भी लोग इसे खर्चे पर ये अभी जो खर्च हो रहा है उस पर जो सवाल उठा रहे हैं, उनके नेता जो भ्रष्टाचार किए हुए हैं और जो भ्रष्टाचार का जो इकट्ठा किया है वही तेजस्वी, कल आदरणीय मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का और मुकेश सहनी जी का प्रोग्राम था महुआ गांधी मैदान में, तो क्या वो पैदल आए थे कि वो भी हेलीकॉप्टर से आए थे? तो वो खर्चा आपको नहीं दिख रहा है? एनडीए खर्च कर रही है तो वो दिख रहा है, यो आपको इंडिया एयरलाइंस खर्च कर रही है वो आपको नहीं दिख रहा है? अरे भैया, उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए आप क्या कर रहे हैं। देख लीजिए, वो तो आएंगे ही, चुनाव प्रचार में तो खर्च होती ही है, ठीक है, क्योंकि जब जनसंपर्क आज हमारे देश के क्वेश्चन है जी, जो कि जनता पत्र, ये देखिए, इसको आप दिखा सकते हैं क्या? बिल्कुल दिखा सकते हैं, फोकस जरा कीजिएगा, इसको दिखलाइएगा। ये जनता पत्र है और 144 करोड़ जनता का एक सवाल, क्या मोदी जी ने, जी आपने इन 10 सालों में बेरोजगारी को कम किए हैं? पहला सवाल ये आपका सवाल है, ये जनता का सवाल है, आज मेरा यह सवाल नहीं रह गया। जनता का सवाल होता तो जनता शायद आज इतनी भीड़ नहीं होती। जैसे कि सर मान चले कि लगता है कि महंगाई नहीं थी और लोग सब रोजगार में थे, खेत खलियान में कोई काम नहीं कर रहे थे, सब एसी में लगता है ऐश कर रहे थे। जैसे कि 14 के पहले महंगाई नहीं थी क्या? जैसे 450 रुपए 35 रुपए लीटर तेल था, 14 आते थे, कितने रुपए तेल हो गया? छोड़ दी हमारी सरकार की, यूपी एनडीए सरकार के पहले, यूपीए गवर्नमेंट के बताइए ना, 2014 आते थे कैसे? पहले 14 से पहले बेरोजगारी नहीं थी, 64 रुपए लीटर पेट्रोल था, आज 107 रुपये कुछ पैसे हम लोग पेट्रोल खरीद रहे हैं। और प्लस में है कहती कि 64 लाने में 57 कितना साल हो गया? 50 से लेकर आज तक जो क्वेश्चन उठी सर का जो क्वेश्चन था, जो कि मान के चलिए कहती कि आज कितने साल हो गया, मतलब कांग्रेस और भाजपा दोनों का सरकार बनते आई है उन महंगाइयों के बीच में, ये बनते आई है या नहीं बनते आई है? बनते आई है। क्या मतलब है कि शासन किए ज्यादा हिंदुस्तान में, शासन किसने किया? क्या एनडीए के लोग किए या यूपीए के लोग किए? जरा बताइए भाई। एक मिनट सर, जब मोदी जी हमारे आए थे, जब मोदी जी आए थे तो उन्होंने महंगाई पर सबसे पहले विराम देने की बात कहे थे, जो कि बोले थे, जो कि सर वह बोले थे सबसे, हम 15 साल भाजपा के हैं, कि भाजपा का 15 साल सबसे बड़ी मुद्दा कौन ने खत्म कर दिया? जिसकी रोजी रोटी कमाते थे यूपीए के लोग, जिसके बदौलत वो राजनीति दुकान खोले हुए थे, सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने खत्म कर दिया, जो आपस में हिंदू मुस्लिम की भाईचारगी की आज मिसाल है यहाँ पर काम है, वो उसी पे वो चलते थे। हिंदू और किया था, देखिए कांग्रेस ने ही चालू किया था, उसको तोड़ा खोला था, लेकिन उसको हल नहीं करा सका, उसको बेरोजगारी का किसने किया? नरेंद्र मोदी जी किए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद, जैसे कि ठीक है उनका जिंदाबाद, 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 ये तो जिंदाबाद, जिंदाबाद, देख लीजिए, मान के चलिए कभी कि हुआ लोगों अगर जैसा अगर चाहेंगे, लेकिन ये जो सभी घोषणा पत्र 400 पार एकदम क्लियर 400 पार। 14 के पहले हम लोग को बिहार में बिजली मिलता था 6 घंटा, आज मिल रहा है 24 घंटा। वहाँ राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, 1 लाख आदमी को रोजगार मिला, विपक्षी को समझ में नहीं आता है क्या मिल रहा है, वो सीधे रोजगार रोजगार है क्या? विपक्षी को बोलने आता है तरबूज, तजुर्बा को तरबुज्जा बोलते हैं, 400 पार के 4000 पार बोलते हैं नीतीश जी, हमारे जुबान फिसल फिसल कर। आलू से सोना कब निकलेगा? आलू से सोना कब निकला इसका भी बताते जाइएगा। आलू से सोना मोदी जी बना दिए थे उनको वीडियो काट करके, क्योंकि उस समय वीडियो को काटा गया था देश भर में, ठीक है ना? किसका बधाई होता है? विशेष राज का दर्जा बोले थे कि नहीं? सलान विशेष राज का दर्जा हम लोगों को मिला सर? यूएस मिला नहीं है। यूएस आज सलाह किससे लेते हैं? 1 लाख जो प्रत्येक एक करोड़ जनता को जो नौकरी देने के वादे किए थे, प्रत्येक वर्ष मिला है क्या? नौकरी मिला है, नौकरी मिल रहा है। देखिए जरूर क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन ये बताया गया है, ये बताया गया है
वो बोले थे कि 15-15 लाख रुपया हर जनता के खाते में गए। पूछ लीजिए किनको खाते में गए हैं, पूछिए सर। नौकरी को नौकरी के दृष्टिकोण से देखते हैं, नौकरी को आजकल हमें अपने 15-15 करोड़ लाने का जो काला धन बात किए थे, वो मिला खुद से रोजगार प्राप्त करने की जरूरत है। चैनल में आने के लिए धन्यवाद। लेकिन ये सर एक